नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 अगस्त 2023। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास में जो आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे पहला तो है जनरल मुनीर्स पाकिस्तान। देखो मिलिट्री की पावर फिर से पाकिस्तान में सुपीरियर है, ये बात साबित हो चुकी है और यही चीज़ लेकर के अभी हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे कि इंडिया की क्या अप्रोच होनी चाहिए। पहले तो पाकिस्तान का पूरा सिनेरियो समझेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में जानेंगे कि क्या हमें करना होगा। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल की जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट और इनकी पोस्ट और बाकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उन अपॉइंटमेंट्स को लेकर के एक अमेंडमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, उस बिल को लेकर के आर्टिकल है। एक हम देखेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट होते हुए 5 साल हो गए, इस स्कीम के क्या फ़ायदे अभी तक हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं, इन तीनों आर्टिकल्स को डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आर्टिकल है जनरल मुनीर्स पाकिस्तान। आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन जी ने। देखो आज से 15 साल पहले 2008 की अगर बात करें तब पाकिस्तान में रूल चल रहा था जनरल परवीज मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने 1999 में तख्तापलट किया, मिलिट्री कू किया और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा करके और खुद जो है वो अपने हाथों में ले ली पूरी सत्ता। फिर इलेक्शन करवा करके बोल दिया कि मैं ही आज से प्रेसिडेंट हूँ। ऐसे करके जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ है उसका रूल रहा 1999 से लेकर या 97 से लेकर 2008 तक। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिवाइवल मिलता है और उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक बार फिर से जनरल आसिम मुनीर ने हाशिए पे लगा दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी फिर से पावर में आ चुकी है। अभी तक क्या है कि आर्मी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट के थ्रू काम कर रही थी, पर इमरान खान ने क्या कर दिया, पाकिस्तान की आर्मी को ही सीधा चैलेंज कर दिया। तो ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी अब खुल के एक बार फिर से अपने रोल में आ गई, फिर चाहे वो पाकिस्तान की पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, दोनों में अपना रोल प्ले करना रेडी है। अब बात ऐसी है कि इंडिया को किस तरीके से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को देखना चाहिए और पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहिए, या फिर ये कि पाकिस्तान क्या इंडिया से एंगेज करना चाहेगा, तो उस सिनेरियो हमारा आज का क्वेश्चन है। इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन हमारा रहने वाला है। देखो अभी लेटेस्ट अगर बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में मिलिट्री ने टेक ओवर किया है। नो, मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी है, सिविलियन गवर्नमेंट इस्लामाबाद से चलती है, पर सही मायने में देखा जाए ना तो रावलपिंडी जैसे चाबी बढ़ती है। रावलपिंडी से जो सिग्नल दिए जाते हैं मोर और लेस उन्हीं सिग्नल्स को इस्लामाबाद के थ्रू इम्प्लीमेंट कराया जाता है। कहने का मतलब पाकिस्तान में केवल नाम की डेमोक्रेसी है, वहाँ पर मिलिट्री की ज़्यादा चलती है। अब देखो बात ऐसी है कि इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया किसने, आर्मी ने। एक तरीके से इमरान खान को ये गिफ्ट मिला, पर इस चीज़ को इमरान खान ने गिफ्ट को एक एंटाइटलमेंट की तरह कंसिडर किया कि ये तो मेरा अधिकार है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरे हिसाब से मैं अपने काम कर सकता हूँ, या फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है तो मैं मेरे हिसाब से किसी से भी सवाल पूछ सकता हूँ और किसी के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता हूँ डेमोक्रेटिक मैनर में। वैसे करने की कोशिश तो उसने भी डिक्टेटरशिप की थी इमरान खान ने, पर हाँ फिर भी डेमोक्रेसी के नाम पर उसने बहुत कुछ करने की कोशिश की। तब फिर आर्मी अपने एक्शन में फिर से आ गई। आते ही आर्मी ने क्या कर दिया, इमरान खान को बिल्कुल साइड। पहले तो 9 मई को अरेस्ट किया। 9 मई को जब अरेस्ट किया तो आपको पता ही है कि क्या हालात हुए थे। पाकिस्तान के लोग जो थे पाकिस्तान को आग लगाने के लिए उतर गए रोड पे। फिर उसके बाद में इमरान खान को इनको पकड़ा और फिर उनके बाद में आर्मी ने अपना एक्शन पूरा एकदम प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया। अब दोबारा से इमरान खान को अरेस्ट कर लिया है। अभी पाकिस्तान में बिल्कुल शांति है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने लोगों पर फतह पा ली। इसका मतलब दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी जो है उस आर्मी ने यहाँ पर विक्ट्री गेन कर ली, ठीक है, तो क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ठीक है जी। तो बात है इस तरीके की कि पाकिस्तान के हाल हो गए ख़राब और अब वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिकल ऑर्डर में कहीं ना कहीं कोई भी सॉलिड एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब मिलिट्री ही सारा सिस्टम रन करेगी। बस परवीज मुशर्रफ का रूल रहा 1999 से 2008 का। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि मोर और लेस थोड़ा बहुत कोशिश की गई थी,
पॉलिटिकल सिस्टम को सेटल करने की, पर फिर से अब 15 साल का गैप दे करके आसिम मुनीर की लीडरशिप में मिलिट्री फिर से वहाँ पर अपनी पावर एक्सरसाइज करना शुरू कर चुकी है। तो अब आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं कि मुशर्रफ के बाद में जिस तरीके की इंस्टेबिलिटी चलती आई, जिसके साथ में आर्मी ने भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए नहीं, ज़्यादा ताकत वहाँ पर आजमाई नहीं, और सिविलियन गवर्नमेंट को कोशिशें करने दी कि भाई तुम अपने हिसाब से काम करो। अब देखो शुरुआत होती है बेनज़ीर भुट्टो से। बेनज़ीर भुट्टो 2007 में एक बार फिर से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हाईलाइट होती है, और उसको फिर बाद में असैसिनेट कर दिया गया, बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। फिर बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड आशिफ अली जरदारी, ये पीपीपी की लीडरशिप में मतलब पीपीपी के अंडर में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं 2008 में, और फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने हाथ में पावर रखते हैं। फिर 2013 इलेक्शंस होते हैं, फिर 2013 में नवाज शरीफ पावर में आते हैं, और नवाज शरीफ को फिर बाद में 2017 में 4 साल भी पूरा नहीं करने दिया, और 2017 में मिलिट्री ने वहाँ की जुडिशरी के थ्रू एक कू कर दिया। इसका मतलब मिलिट्री जुडिशियल मिलिट्री कू, इसका मतलब तख्ता पलट कर दिया नवाज शरीफ की सरकार का। और उसमें आगे किसने किया, पीछे मेन पावर तो थी आर्मी, बट एक्चुअल में काम किसके द्वारा करवा लिया, वहाँ की जुडिशरी के द्वारा, और कुछ चार्जेस लगा करके और नवाज शरीफ को कर लिया अरेस्ट। फिर नवाज शरीफ को देखो जान बचा करके अभी आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ पाकिस्तान है ही। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बार फिर से आर्मी ने तख्ता पलट किया और अपने लाइक माइंडेड इंडिविजुअल को बिठाया, जो वो था इमरान खान। अब इंडिविजुअल जो था इमरान खान, उसने 2022 आते आते आर्मी के नाक में कर दिया दम कि भाई कैसे भी करके अब मुझे मेरी फ्रीडम एक्सरसाइज करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आर्मी और इमरान खान की टेंशन फिर से स्टार्ट हो गई, और इमरान खान को भी हटा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर कि मुशर्रफ के बाद में आर्मी को लीड किया जनरल अशफाक कयानी, उस बंदे ने जो जरदारी गवर्नमेंट थी उसको अच्छे से काम कभी भी नहीं करने दिया। फिर ये अशफाक कयानी के बाद में आर्मी चीफ बने यूसुफ रजा गिलानी, भाई साहब गिलानी साहब ने जो है गिलानी प्राइम मिनिस्टर बन गए। और आप देखोगे कि उधर कयानी को सक्सेस बाद में, ये जो अशफाक कयानी थे इनके बाद में आर्मी चीफ बने राहिल शरीफ। तो राहिल शरीफ ने ना तो यूसुफ रजा गिलानी को अच्छे से काम करना दिया, गिलानी को काम करने दिया, और ना ही नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को काम करने दिया। फिर उसके बाद में राहिल शरीफ के बाद में आर्मी में तो कौन आ गए, कमर जावेद बाजवा, और इधर नवाज शरीफ के बाद में इमरान खान। तो इस तरीके से इमरान खान को इंस्टॉल करने में आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। 2017 में नवाज शरीफ को हटा दिया गया, जुडिशियल कू बैक्ड बाई आर्मी, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हटाया इसको। फिर उसके बाद में 2018 में इमरान खान प्रधानमंत्री बनता है, बाजवा के साथ में शुरुआत में तो ठीक ठाक रिश्ते रहे, ठीक है, पर उसके बाद में रिश्ते बिगड़ना शुरू हो गए। बाजवा ने डिसाइड किया कि इमरान खान को हटाओ। अब इमरान खान को 2022 में प्रधानमंत्री की पोस्ट से हटा करके और डिफेक्शन करवाया। डिफेक्शन का मतलब इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई है ना, उसकी सीटों पर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन लोगों को ट्रांजिशन करवा दिया दूसरी पार्टीज़ में। इस तरीके से इमरान खान की पार्टी आ गई माइनॉरिटी में और सरकार गिर गई। अब उसके बाद में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही है, और वहाँ पर अब खुल करके आसिम मुनीर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज सिविलियन अफेयर्स की बात कर लो, पॉलिटिकल बात कर लो, या फिर इकोनॉमिक अफेयर्स की बात कर लो, हर एक सेगमेंट में जनरल मुनीर जो है वो अपना रोल अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो मुनीर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जनरल मुनीर के सामने। सबसे पहला तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में गुजर रही है। दूसरा, वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पर्टिकुलरली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको ये कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रेजीम है वो सपोर्ट करता है, और उसने दम कर रखा है नाक में पाकिस्तान के। अब एक ये तो हो गया, ये इशू हो गया। अब इन इश्यूज को हैंडल करने में पाकिस्तान को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। अभी तक की सिचुएशन और अब की, मतलब आज के 2021 से पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में रात दिन का फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो देखो, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि वेस्टर्न मेजर पावर्स अब पाकिस्तान से एंगेज ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि पहले अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, उसके पहले USSR का इन्वेजन था,
इस वजह से अफगानिस्तान में जाने के लिए पाकिस्तान ने रास्ता दे रखा था वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो ट्रूप्स हैं, पर्टिकुलरली यूएस और यूएसए के जो नेटो अलाई हैं उनको। तो इस तरीके से अफगानिस्तान के चक्कर में पाकिस्तान की रेलेवेंस थी। अब अफगानिस्तान में यूएसए के ट्रूप्स हैं नहीं, इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान। आज देखो कि वॉशिंगटन जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ प्रोडक्टिवली एंगेज कर ही नहीं रहा। फिर बात आती है चाइना की या दूसरे इकोनॉमिक पावर्स, फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज़ जैसे कि सऊदी अरब ले लो आप, या फिर आप ले सकते हो यूएई। ये भी है ना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए तो पुश कर रहे हैं बट उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का खुद बेनिफिट उठाना चाहते हैं। जैसे चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें चाइना को ज़्यादा फायदा है, ठीक है ना। उसमें पाकिस्तान ने तो अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, मतलब एक तरीके से अपने रिसोर्सेज को गिरवी रख करके फिर पार्टनर बने, पर अब वो लोन समय पर रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान सप्लीमेंट हो चुका है या सप्लीकेंट हो चुका है। सप्लीकेंट का मतलब कि मेन जो पावर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में वो चाइना की रह गई और पाकिस्तान नंबर टू पे आ गया वहाँ पे। तो इस केस में अब वहाँ पर भी सेकेंडरी है। गल्फ कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे करना चाहता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को उन्होंने कह दिया कि भैया इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर क्या हो, ठीक है आपके एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करो। वही हमारे ऊपर जो IMF ने कंडीशंस डाली थी ना कि भाई आप LPG पॉलिसी अडॉप्ट करो, तो वैसा ही कुछ कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे भी है। फ़र्क इतना सा ही है कि हमारे यहाँ पर जो LPG पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का मादा था या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसने उठाया, हमारी गवर्नमेंट ने, और वहाँ पर अब मिलिट्री उठा रही है जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। कहने का मतलब अभी के टाइम पे मिलिट्री अगर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के चक्कर में पाकिस्तानी सरकारी एसेट्स को नीलाम भी कर देना तो वहाँ पर कोई उसकी जवाबदारी साबित करने के लिए नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में तो सवाल भी पूछ सकते हो आप गवर्नमेंट से। तो इस तरीके से क्या है, हालत है पाकिस्तान की ख़राब, और ऐसी परिस्थितियों में आसिम मुनीर को ये टफ टास्क परफॉर्म करनी पड़ रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आज की परिस्थितियों में आर्मी ने फिर से अपने हाथ में ले ली पूरी सत्ता बागडोर। अब ऐसी परिस्थितियों में जनरल मुनीर ने क्या डिसाइड कर रखा है, सबसे पहला तो जो जनरल इलेक्शंस होने हैं ना वहाँ पे, वहाँ के नेशनल असेंबली के, उसको डिले किया जा रहा है और एक केयर टेकर के तरीके से काम करना चाह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके एक बार सेटलमेंट किया जाए। दूसरा, IMF ने जो सपोर्ट दिया है अभी $3-2 बिलियन के लगभग सपोर्ट के तौर पर दिया है IMF ने, उसके साथ में जो फ्रेंडली कंट्रीज़ ने जो पैसा दिया है वो, अब वो उन्होंने पैसा तो दे दिया बट ये कंडीशन थोपी है कि भाई आपको कुछ अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाने होंगे। एग्जैक्टली वही चीज़ की है जो हमारे साथ में 1990s के टाइम पे की थी जब हमने LPG पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ठीक है। अब वो चीज़ वहाँ पे की जाएगी। अब इस चीज़ के लिए पाकिस्तान क्या करेगा वो देखें तो देखो, इस्लामाबाद में एक इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एक सोवरन वेल्थ फंड बना रही है। उसमें क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो पैसा है वो आएगा और उस पैसे को फिर बाद में अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा कॉरपोरेट फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, इसका मतलब एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, जैसे सऊदी अरब UAE इनके साथ में इंगेजमेंट ये चल रही है लगातार। इसके अलावा आप देखोगे कि जो इकोनॉमी, ये सारा काम जो हो रहा है ना, जो कुछ भी रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, वो रिफॉर्म्स के साथ साथ में एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि जनरली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं बट यहाँ पर कौन ला रहा है, आर्मी, ठीक है। बड़े डिसीजन तो लिए तो जा रहे हैं पर सवाल ये कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा, सही गलत का निर्णय, या मान लो डिसीजन आज ले लिया तो किसको इसकी जिम्मेदारी मिलेगी कि हाँ जी या आपने गलत काम कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा ज़मीन, मिनरल या पोर्ट्स जैसे कराची, ग्वादर, ये पोर्ट्स हैं इनके पास में, इन सब को वो कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज़ के सुपुर्द कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज उनको एक्सेस करेंगे। इसके अलावा जो क्रिटिक्स हैं वो सवाल ये उठा रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो इंडिया ने भी उठाए हैं बट वही चीज़ है कि कैसे उठाए इंडिया ने, और अब पाकिस्तान भी उठा रहा है तो कैसे। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान अभी 25-26 पता नहीं कितनी बार जा चुका है बेल आउट के लिए IMF के पास में पैसे के चक्कर में, अब की बार भी गया है, और हर बार IMF ने जब जब पैसा दिया ना तो IMF ने अपनी कंडीशन लगाई है कि भाई सीधी बात है इकोनॉमी को रिफॉर्म करोगे तभी हम आपको पैसा देंगे, पर अभी तक देखा जाए तो ऐसा कोई रिफॉर्म पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है।
अब देखने वाली बात है क्या अभी होता है या पहले वाली बातें रिपीट होती है। इसके अलावा आसिम मुनीर ने आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान को बोल दिया कि भैया पाकिस्तानी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आपको तबाही मचाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। अब आप देखो पाकिस्तान के हालात, डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रंट में क्राइसिस, इंटरनल सिक्योरिटी में क्राइसिस, धमाके हो रहे हैं, रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते हैं 2-5 दिन में एक, वेस्टर्न फ्रंटियर में अफगानिस्तान के साथ टेंशन, इकोनॉमिक क्राइसिस में, अब बच गई ईस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर पे कौन है, इंडिया। इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं एकदम सिक्योर है पाकिस्तान, क्यों सिक्योर है, क्योंकि इंडिया कभी अटैक करता ही नहीं है और इसी चीज़ का फ़ायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा उठाता रहता है। खैर अभी का सिनेरियो ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ईस्टर्न फ्रंट पे सेफ एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक तीन अप्रोचेज हैं कि हमें क्या करना चाहिए, दिल्ली को क्या करना चाहिए। ऑप्टिमिस्ट तो क्या सोच सकते हैं कि जी पाकिस्तान में जिस तरीके के रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, एक नई पहल चल रही है, तो हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ में एंगेज करना चाहिए, और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि इंडिया के साथ एंगेज करने में पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सकता है। ये तो ऑप्टिमिस्ट अप्रोच है। जबकि पेसिमिस्ट क्या सोचते हैं कि भाई मुनीर जो है, जनरल मुनीर, वो कहीं ना कहीं कोशिश ये करेगा कि इंडिया के साथ में एंगेज ना करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर इंडिया के साथ में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को आगे 1-to-1 डिस्कशन में लेगा। और फिर बाद में आती है रियलिस्ट, तो रियलिस्ट अप्रोच में तो इंडिया को चाहे पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉजिटिव हो या पॉलिटिकल चेंज हो, या फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे कोई भी चेंजेस आ रहे हो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंज, तो बोलो दोनों चीज़ों में हमें पाकिस्तान को मॉनिटर करते रहना ज़रूरी है। अगर पॉजिटिव हो, जो कि बहुत दूर दूर तक लगता नहीं है, तो वहाँ पर हमें अपडेट रहना होगा। नेगेटिव हो तो वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है, उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। इस तरीके से क्या हो जाता है कि इंडिया की अप्रोच के बारे में राइटर बताते हैं। आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल है मिसमैनेजमेंट। आर्टिकल में देखो ये बताया जा रहा है कि लोकसभा में अभी बिल पारित हुआ है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो अपना एक अपर स्टेक रखना चाहती है कि जो IIMs में अपॉइंटमेंट होती है ना डायरेक्टर्स की, उसमें बोले इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपना डिसीजन इम्पैक्टफुल बना सके कि किसको डायरेक्टर बनाना है, किसको डायरेक्टर नहीं बनाना। तो इस चीज़ को एडिटर अनवेलकम कर रहे हैं कि बोले ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब आपके पास में ऑलरेडी IIM एक्ट 2017 अवेलेबल है, जिसमें आपने ये कह रखा है कि जो भी एलिट मैनेजमेंट स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में जो कुछ भी रिफॉर्म लाए जाएंगे या जो कुछ भी ग्लोबली चलने वाले जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन के, उनसे संबंधित चेंजेस लेके आने हैं, तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं, लोकल का मतलब हो गया कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशन में ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड रहेगी, जिसके बेसिस पर वो इंस्टीट्यूशन के जो हायर लेवल के इंडिविजुअल्स हैं वही डिसीजन ले पाएँ। तो बोला उन चीज़ों को अचीव करने में यहाँ पर गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि डायरेक्टर्स की और जो अपॉइंटमेंट होती है IIMs में, बोले उसमें गवर्नमेंट का से हो, गवर्नमेंट अपनी तरफ से यस और नो सिग्नल दे सके। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि भाई सीधी बात है कि पहले तो इस तरीके से था कि एक सर्च कम सेलेक्ट कमेटी काम करती थी, और उस सर्च कम सेलेक्ट कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती थी, और फिर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो अपनी फाइनल से रखता था कि हाँ जी अपॉइंटमेंट किसकी करनी है डायरेक्टर के तौर पर IIM में, किसकी नहीं करनी। पर अब ये जो नया लेजिस्लेशन लाया गया है, यहाँ पर IIM के जो डायरेक्टर हैं, IIM के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको IIM विजिटर प्रेसिडेंट, दैट मीन्स वहाँ पे परमानेंट तो होते नहीं है, अब वहाँ पर विजिटर प्रेसिडेंट है ना, उनको एक तरीके से गवर्नमेंट अपनी तरफ से पावरफुल बना रही है, वीटो पावर दे रही है। कहने का मतलब कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर के IIM एक्ट 2017 के बेसिस पर जो सर्च कम सेलेक्ट कमेटी के द्वारा बनाई हुई लिस्ट है, उसी में से जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नाम पिक करते हैं, अगर उस नाम को लेकर के गवर्नमेंट खुश नहीं है, तो IIM के जो विजिटर प्रेसिडेंट होंगे ना, वो वहाँ पर वीटो कर सकते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो ही किसी इंडिविजुअल को अपॉइंट होने देगी, नहीं तो वीटो, दैट मीन्स नेगेटिव वोट दे करके उस इंडिविजुअल के अपॉइंटमेंट को एज ए डायरेक्टर इन IIM रोका जा सकता है। तो ये चीज़ बोला ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी। बोला एक बार ये बिल एक्ट बन गया ना,
तो बोले इसमें आप देखोगे कि जो विजिटर डायरेक्टर विजिटर प्रेसिडेंट हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं या एग्जिस्टिंग जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उससे भी ज़्यादा। तो बोले ये कहीं ना कहीं IIM के जो बोर्ड है, IIM बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसको उसकी पावर्स को डाइल्यूट कर देगी। फिर जब डिस्कशन चला लोकसभा में तो अभी करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ये कहा कि इस बिल में गवर्नमेंट कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करेगी। पर सही मायने में देखा जाए तो जो विजिटिंग प्रेसिडेंट होंगे IIM के, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे और उनको वीटो पावर आप दे रहे हो, इसका मतलब फिर गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपनी अपनी बात रखने वाली है। 2015 में भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए थे, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, कि IIM के मैनेजमेंट में अपनी पावर एक्सरसाइज कर सके, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है उन विजिटर प्रेसिडेंट है उनको पावर देने की कोशिश की गई थी। 2020 में मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से IIMs को ये कह के रोक दिया था कि भाई एक साल का जो PG कोर्स होता है उसको आप MBA नहीं बोलोगे, क्योंकि MBA जो है वो मास्टर्स है और मास्टर्स UGC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, और आप बोले 1 साल के PG कोर्स के लिए ही आप MBA की डिग्री देना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि IIM जैसे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं या फिर कहो एलीट इंस्टीट्यूशंस है ना, वहाँ पर गवर्नमेंट अपनी इंटरफेरेंस लगातार करती चली जा रही है। अब इसके पीछे कारण भी है कि गवर्नमेंट को मौका क्यों मिला, क्योंकि रिसेंट 2 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से ये जो बी स्कूल है, बिजनेस स्कूल्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मौका मिल गया अपना हाथ आजमाने का। एक तो ये कि IIM में प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स नहीं है डायरेक्टर्स के, ठीक है, जैसे IIM कलकत्ता के बोर्ड की हम बात करें, उसमें इंस्टीट्यूट डायरेक्टर अंजू शेठ, उनके बीच में और बोर्ड ऑफ चेयरमैन, मतलब आप कहोगे कि अंजू शेठ जो कि बोर्ड चेयरमैन IIM कोलकाता की, और उसके अलावा जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। तो बोले इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आप खुद देख सकते हो कि IIM रोहतक, ठीक है, वहाँ पर भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को लेकर के कुछ लफड़े देखने को मिले थे। तो अपॉइंटमेंट्स को लेकर के जो भी इश्यूज़ IIMs ने क्रिएट किया है, IIM के मैनेजमेंट लेवल पे क्रिएट हुए, उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक ओपिनियन रखते हुए कि हाँ जी यहाँ पर हमें कुछ सोल्यूशन के तौर पर काम करना होगा, तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ भी अपना कदम आगे बढ़ा दिया कि जो विजिटिंग प्रेसिडेंट होंगे उनका फाइनल से होगा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो इस केस में कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रोविज़न का नेगेटिवली यूज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट का, यही मेन कंसर्न है यहाँ पर एडिटर का। तो बताया जा रहा है कि IIM में देखो इंटरनल स्ट्रक्चर चेक एंड बैलेंस वाली होनी चाहिए, बैलेंस, ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल अपने हाथ में पूरी पावर ले ले। दूसरा, गवर्नमेंट जिस तरीके से IIMs के माइक्रो मैनेजमेंट, मतलब अंदर की बातों के अंदर दखल अंदाजी करे, तो बोले ये सिस्टम को सुधारेगा नहीं, उल्टा बिगाड़ देगा। तो बोला अब राज्यसभा के सामने है ये मुद्दा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो IIM में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के ये बिल है जो कि लोकसभा में तो देखो पारित हो चुका है। अगला आर्टिकल है 5 ईयर्स ऑफ केयरिंग। इस आर्टिकल में हम प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत स्कीम है, या फिर जिसको बोलेंगे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इस स्कीम के 5 साल बीत चुके हैं, इस 5 सालों में क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या हमने किया है, वो हम जानते हैं डिटेल में। राइटर है विनोद के पॉल, इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फ्लैगशिप हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सितंबर 2018 से स्कीम लॉन्च हुई थी। इस स्कीम में सबसे मेन टारगेट था वो ये कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना यूनाइटेड नेशन के अंडर में, जो डिक्लेरेशन के अंडर में फाइनल हुए थे, उसमें गोल नंबर 3.8 है जिसमें सीधा प्रोविजन है किस चीज़ से संबंधित, एनविजन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसका मतलब कि आपके यहाँ पर आप एफर्ट्स करोगे कि जितने भी लोग रहते हैं उन सबको हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपरली मिल पाए, तो वो चीज़ यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने टारगेट की थी। इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की असिस्टेंस प्रोवाइड होती है पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर। अभी तक देखा जाए तो 12 करोड़ के लगभग फैमिलीज, आप ये मानो कि जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में अगर हम सबका इनकम स्केल देखें तो जो बॉटम
में जो लोग आते हैं ना, बॉटम में जो फैमिलीज आती हैं इनकम वाइज, उनमें 40% पॉपुलेशन जो है वो कवर हो रही है स्कीम के अंडर में। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्रमोट किया गया है। उनको भी कहा गया कि भाई देखो, हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो बोलो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की है क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को भी एनकरेज किया गया। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि लगभग 15.5 करोड़ फैमिलीज को आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्लस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन्हीं का एक्सटेंशन रन कराया जा रहा है। रिजल्ट ये है कि लगभग देश में 11 ऐसे स्टेट्स और यूटीज हैं जहां पर 100% कवरेज है पॉपुलेशन का हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी योजना चल रही है, तो स्कीम में ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम जो है ना, जन आरोग्य योजना, इसी को एक्सटेंड करते हुए जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं उन फैमिलीज़ को भी 850 रुपये पर ईयर के बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। कहने का मतलब राजस्थान पूरा कवर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बीपीएल फैमिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एपीएल है, आप टैक्स पे करते हो, कोई बात नहीं, 850 रुपये दो सालाना, आपकी पूरी फैमिली इंश्योर्ड हो जाएगी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर उसमें 25 लाख रुपए तक का बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स ने और एडिशनल प्रोविजंस कर रखे हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी स्कीम्स भी चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस स्कीम ने, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने बहुत बढ़िया काम किया है। अब इस स्कीम को बोले 5 साल कम्प्लीट हो गए। इस स्कीम ने सबसे पहला जो काम किया है वो ये कि जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो जो बीमारी का इलाज होता है उसमें पैसा बहुत लगता है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उसके बर्डन को लोगों के कंधों से कम किया है। दूसरा, गवर्नमेंट का जो हेल्थ के हिसाब से जो बजट अलोकेट होता है उसका अब एफिशिएंट यूज़ भी होने लग गया। स्कीम हेल्थ प्रोवाइडर्स और सर्विस टेकर्स, इनके बीच में जो गैप है वो सबसे बड़ा गैप था पैसे का, कि भाई बीमारी है किसी के घर में किसी इंडिविजुअल को तो वो जाकर के ट्रीटमेंट ले सकता है फ्री में। ये एक तरीके का प्रीपेड कार्ड है आयुष्मान भारत स्कीम की बात करें, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक की फैसिलिटी अवेलेबल होती है सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर अगर आप फैसिलिटी अवेल कराते हो। और इस स्कीम में जो भी एनरोल होते हैं उनको आयुष्मान कार्ड है वो भी इशू किया जाता है, और उस कार्ड के बेसिस पे ही सारा काम होता है। फिर इसमें डेटा मेंटेन करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, एक तो हॉस्पिटल्स की बात करें तो 27,000 के लगभग हॉस्पिटल्स हैं, 24 करोड़ के लगभग आयुष्मान कार्ड इशू किए गए हैं, और इन सबको मैनेज करने का काम नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का है। अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी खुद नेशनल लेवल पे और स्टेट पे जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ मिलकर के जितने भी बेनिफिशियरीज हैं है ना, उनको आयुष्मान कार्ड अलोकेट करवाने का काम करती है। अब इस वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हो कितना क्या अचीवमेंट अभी तक किया जा चुका है, इसमें से डेटा जो आपको काम का लगे प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो, ये जो स्कीम है इसकी सक्सेस को अगर हम मेजर करना चाहें तो कैसे पता पड़ता है? देखो, सीधी बात है, सबसे पहली तो शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर्स है ना, प्राइवेट बैंक, ये हॉस्पिटल, ये इतना जल्दी एनकरेज नहीं थे, पर अब प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहा है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस की बात करें कि मतलब कितनी बीमारियों का ट्रीटमेंट इस आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर मिल रहा है, तो पहले 2000 मतलब आप देखोगे कि अभी 2022 में लगभग 1949 पैकेजेस इंक्लूडेड हैं, जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी बीमारियां, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम इस स्कीम के अंडर कवर्ड है। अगर आपकी बीमारी हो किसी भी इंडिविजुअल के, तो स्कीम के तहत जाकर के आप बेनिफिट्स ले सकते हो। इसका तरीका, जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ और ट्रीटमेंट लो, 15 दिन के अंदर अंदर हॉस्पिटल को वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कैशलेस पेमेंट हो गया एक तरीके से ही है। तो बोले इस तरीके से काम हो रहा है। स्कीम में मेन टारगेट पुअर एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी के, उन पे रखा गया है, क्योंकि उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब वो महंगे इलाजों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और उनको फिर कर्जा लेना पड़ता है, कर्जे की वजह से वो बर्बाद भी हो जाते हैं। इसके लिए हर एक हॉस्पिटल, जो भी आयुष्मान भारत स्कीम में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रा, दैट मीन्स एक तरीके से बेनिफिशियरीज को गाइड करने के लिए वहाँ पर इंडिविजुअल्स भी अपॉइंटेड हैं जो कि लोगों की हेल्प करते हैं।
ठीक है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीडिंग है। तो वहीं पर अलग अलग सेगमेंट आप खुद देखोगे कि हर एक हॉस्पिटल के मतलब या तो बेसमेंट में या एंट्रेंस पे ही आपको मिल जाएंगी ऐसी फैसिलिटीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो एक तो देखो इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी भी इसमें है, पोर्टेबिलिटी भी इसमें है। कैसे कि मान लो आप किसी एक स्टेट में आपने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एनरोल कर रखा है, पर उसका ट्रीटमेंट आपके स्टेट में अवेलेबल नहीं है, किसी दूसरे स्टेट में अवेलेबल है, और आप जिस हॉस्पिटल में दूसरे स्टेट में जाके ट्रीटमेंट ले रहे हो वो हॉस्पिटल भी आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर एनरोल्ड है, तो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, परफेक्टली मिलेगा बिना कोई प्रॉब्लम के। तो इससे क्या हो गया कि इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा रही है। इसके अलावा डिजिटाइजेशन पे पूरा फोकस किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वो मॉनिटरिंग भी करती रहती है, डे टू डे ट्रैकिंग भी होती रहती है कि कहीं लोगों के साथ में कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। अभी दिल्ली का वो केस आया था, ध्यान हो अगर आपको रिकॉल कर पाओ तो, आयुष्मान भारत स्कीम में समय पर पैसा रिलीज नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं चोरी, मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो क्या करते हैं पेशेंट के घर वालों को डरा देते हैं कि भाई आपके पास टाइम बहुत कम है, आप ये करो वो करो, फिर वो बेचारे मजबूरन कर्जा लेकर के आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो इस वजह से कई प्रॉब्लम सामने आई थी। तो उन शॉर्ट कमिंग्स को भी करेक्ट करने की कोशिशें हो रही हैं लगातार, और हो भी रहा है फ़ायदा, और साथ में जिन पेशेंट्स को बेनिफिट होता है उसको उस डिटेल को पब्लिक डोमेन में रिलीज भी किया जाता है, ये ध्यान रखते हुए कि इंडिविजुअल की प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लेम लेते हो तो आपको वहाँ पर फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि फ़ोटो दिखा करके फिर बाद में बताया जा रहा है कि इस इंडिविजुअल की ये बीमारी थी, नहीं, ऐसे बताया जाता है कि हाँ भाई इतने लोगों को इतना बेनिफिट हुआ, क्योंकि फिर गवर्नमेंट का काम रह गया ना, RTI कार कई लफड़े होते हैं, तो इसलिए ये पब्लिक डोमेन में दिखाना भी ज़रूरी है, नहीं तो स्कीम के फायदे कहीं ना कहीं पैसे का मिसयूज़ भी हो सकता है। इसके अलावा जितने भी लूप होल्स हैं उनको टाइम टू टाइम करेक्ट करने के प्रोविजंस भी यहाँ पर किए हुए हैं, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट, ये एंटी फ्रॉड इनिशिएटिव्स पे काम करती है। इसमें फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है कि देखो सारा काम आधार बेस्ड है, कहीं आधार का मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा है, पता पड़े कि घोस्ट आधार है, कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, पर फिर भी हॉस्पिटल वाले या कहीं पे एक कार्टल क्रिएट हो गया जो चोरी करना चाहता है स्कीम के पैसे को, तो वो मिलकर के कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको रोकना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है उसको प्रमोट करना, मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना कि कहीं पर कोई फ्रॉड या ट्रांजेक्शन गलत तो नहीं हो रहे हैं, उनको ट्रेस करना और सही समय पर एक्शन लेना। इसके अलावा समय समय पर फील्ड ऑडिट भी होती रहती है जो कि फ्रिक्वेंटली है, इसका मतलब कि समय समय पर हॉस्पिटल में जाके चेक करना कि आयुष्मान भारत स्कीम में कहीं गफला तो नहीं हो रहा है। बोले इसी के चलते आप देखोगे लगभग 210 हॉस्पिटल्स को आयुष्मान भारत स्कीम के पैनल से निकाल दिया गया है क्योंकि वहाँ पर गफले देखे गए। फिर आगे राइटर बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम की अगर बात करें तो इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी सपोर्ट देने का पूरा प्रोविज़न है, क्योंकि इसमें लगभग 50 ऐसे पैकेजेस हैं जिनमें सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी से रिलेटेड भी काम होते हैं, जिसमें ट्रांसजेंडर या फिर जो LGBTQIA+ कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कहीं ना कहीं कॉपरेशन भी मिल जाता है। तो ये सिनेरियो है, बोले ये स्कीम जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सेकेंडरी और टर्शरी सेगमेंट में जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं उनको टैकल करने में, और बेनिफिशियरीज को बिना कोई परेशानी के हेल्प मिल रही है। तो इस तरीके से ये थी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसके 5 साल का रिकॉर्ड। ऐसी बात नहीं है लूप होल्स हैं, बट फिर भी ये इनिशिएटिव अच्छा है। तो डिस्कशन में यही आर्टिकल्स थे, थैंक यू वेरी मच।